सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप क्वीन पूनम। सो गाइज, आज का जो ये मेकअप लुक है वो मैंने किया है सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर, और जो आज मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो भी मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट यूज़ करके ये मेकअप लुक किया है। सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे किया है तो गाइज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज, ये मेकअप लुक कोई भी कर सकता है, टीनेजर गर्ल्स, ऑफिस गोइंग गर्ल्स, न्यूली मैरिड गर्ल्स, कोई भी कर सकता है। एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक है और बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे हिमालय की कोल्ड क्रीम ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी कोल्ड क्रीम है, लाइट वेट है, और मैं यहाँ डॉटेड मोशन पे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड नेक एरिया पे भी लगा लूँगी अच्छे से। बहुत ही लाइट वेट क्रीम है और बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। सो अब मैं यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम ले रही हूँ। गाइज, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है, एवरीडे के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है। सो मैं यहाँ थोड़ी सी अमाउंट लेकर अपने फेस पर डॉटेड मोशन पे इस क्रीम को अप्लाई कर लूँगी, और मैं यहाँ पे कोई कंसीलर नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज़ ये 5 मिनट मेकअप लुक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसी क्रीम को अप्लाई करूँगी और मैं फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई एरिया पे भी लगा के अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और नेक एरिया को भी अच्छे से कवर अप कर लूँगी। तो गाइस देखिए कितनी अच्छे से ये क्रीम ऑब्जर्व हो जाती है और बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है। और अब मैं यहाँ पे फेस बेस को मेकअप सेट करने के लिए फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और मैं अच्छे से इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है एंड अंडर आई एरिया पे, आईलिड के ऊपर अच्छे से पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करता है, सो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है मेबलिन का। सो मैं यहाँ पे अच्छे से पूरे फेस पे एंड नेक एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। और नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे आईब्रो पेंसिल, और आईब्रो पेंसिल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ग्रे। सो गाइस, इसमें वन साइड स्पूली है एंड वन साइड इसमें आईब्रो प्रोडक्ट दिया गया है, और बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है। एंड दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल गाइज, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो और ना चाहो तो ना करो, बट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ब्राउ को थोड़ा फुलर लुक दिखाना अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की, बहुत ही लाइट हैंडेडली, बिकॉज डार्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा, इसलिए बहुत ही स्लो हैंडेडली एंड लाइट वे में आप करते चलिए। और अब मैं यहाँ पे स्पूली की हेल्प से ब्राउज़ को सेट कर लूँगी, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा और आईब्रो अच्छे से कॉम हो जाएंगी। और नेक्स्ट अब मैं अप्लाई कर लूँगी यहाँ पे काजल, और काजल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ L18 का काजल, लैक्मे का आइकॉनिक काजल। एंड गाइस, ये काजल बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग काजल है, और एवरीडे और पार्टी वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा काजल है ये। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इस काजल को। मैंने यहाँ पे दोनों आईज़ पे इस प्रोडक्ट को लगा लिया है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा लूँगी, और आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर ले रही हूँ। ये वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हैंडेडली इस आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ आईलाइनर जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाना पड़ता है। सो बहुत ही अच्छा आईलाइनर है एवरीडे के लिए एंड अफोर्डेबल भी है।
सो गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों आईज़ पे आईलाइनर लगा लिया है एंड अब मैं यहाँ पे मस्कारा ले रही हूँ एंड मैं यहाँ पे मेबलिन का कॉलोसल मस्कारा ले रही हूँ। वाटरप्रूफ वेरिएंट है ये और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये भी। स्मच प्रूफ है, वाटरप्रूफ है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। सो मैं यहाँ अच्छे से दोनों आई लैशेस पे मस्कारा लगा लूँगी एंड लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। सो इसी लिपस्टिक से मैं ब्लश भी लगाऊँगी एंड ये पिंक शेड की लिपस्टिक है इनसाइट कॉस्मेटिक की। सो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट लिख कर अपने चीक्स पे एज अ ब्लश इस लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है और 5 मिनट्स मेकअप लुक है, तो मैं यहाँ पे इसी लिपस्टिक को ही यूज़ करके एज अ ब्लश यूज़ कर लूँगी। देखिए गाइस, कितना नेचुरल लगता है। सो गाइस, नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। लिपस्टिक भी सेम लिपस्टिक से लगा रही हूँ मैं, इनसाइट कॉस्मेटिक की ही। बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है ये एंड ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका मैंने एक सेपरेट रिव्यू भी किया है लिपस्टिक के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड स्मच प्रूफ है। सो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।